Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machine, that is direction of induced EMF. In the last topic, हमने discuss किया था कि Faraday's law कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको state करके दिखाया था और उनको prove करके दिखाया था, right? So we have discussed Faraday laws of electromagnetic induction. अब उनमें से जो second law था ना, वो था हमारा कि the EMF induced in a conductor that is directly proportional with the rate of change of flux, ठीक है? और हमें पता है कि जो EMF induced होती है, वो जितनी ज़्यादा rate of change of flux आता है, उसके accordingly EMF is directly proportional to that, ठीक है? अब the second question arises कि EMF कौन सी direction में induced हो रही है? हमें पता है कि conductor के दो terminals होते हैं, right? उनके बीच में हम एक galvanometer लगाते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट ओपोजिस, राइट, चेंज होती है. बट वो कौन सी होती है, हमें स्पेसिफिकली कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन करेंगे, मतलब किस तरफ हम मोशन प्रोवाइड करेंगे तो किस तरफ करंट प्रोड्यूस होगा, वो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा. We know about the direction of the EMF, right? So, उसके लिए there are certain rules, there are certain laws जो हमें आपकी स्क्रीन के आगे दिख रहे हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, the direction of induced EMF, right? The direction of induced EMF and hence current in a conductor or coil can be determined by either of the following two methods. डायरेक्शन ऑफ EMF या डायरेक्शन ऑफ करंट कह सकते हैं हम, इन कंडक्टर या सर्किट या कॉइल, दो मेथड्स होते हैं उसके लिए. वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नेक्स्ट वन इज लेंज लॉ. तो देर आर टू रूल्स टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट. वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द अदर वन इज लेंज लॉ. एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यू कैन सी हियर hand, that is the right hand of any person. इसका जो नाम है वो Fleming के नाम से पड़ा, because he discussed that rule with the science industries, जिसको ये मतलब इसको एक नाम ही दे दिया गया, Fleming's right hand rule, right? This rule is applied. Wait. This rule is applied to determine the direction of induced EMF in a conductor moving across the field and is stated as under. Stretch first finger. हमारे पास three fingers होती हैं जिससे हम direction find करेंगे इसकी EMF की. One is thumb. This one is thumb जो हमारे पास है. The second one is जो first finger है, thumb के साथ वाली, adjacent to thumb. The next one is the first finger के साथ वाली, middle finger जिसको हम बोलते हैं. तो ये तीन fingers को हम 90 डिग्री के प्रोपोर्शंस में ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है? इट शुड बी अ 90 डिग्री विद ईच अदर, राइट? अब उन्होंने कहा है कि जो इसका फेस है, जो फिंगर्स का फेस है, वो अपने फेस की तरफ रखना है. मतलब जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, ये हमारे फेस की तरफ है, राइट? इनमें से वो कह रहे हैं स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तीनों को स्ट्रेच कर लो, एक दूसरे से 90 डिग्री होने चाहिए, एंड इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर फेस, राइट? इफ फर्स्ट फिंगर, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, दैट इज दिस वन, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है हमें, लाइक दिस, अगर मैं आप ऐसे कैमरे की तरफ करूं, तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, और ये अगर मैं डायरेक्शन मान लू मैग्नेटिक फील्ड की, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है. थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. जो थंब है वो कंडक्टर जो उसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज अपवर्ड, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू फील्ड. देन सेकेंड फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और अब जो ये सेकेंड फिंगर है, ये हमें इसकी ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो बताएगी. अगर ये हमारी फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये अपवर्ड की तरफ थंब हमारा शो कर रहा है, अब ये दोनों चीज हो गई,
तो हमारी जो ये थर्ड वाली फिंगर है, जो मिडल फिंगर है, दिस विल शो द इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और अगर हम मोशन को ऊपर की तरफ करें तो ये इधर हो जाएगा. अगर मैं मोशन को नीचे कर दूं तो क्या होगा, जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी. मतलब हमने जो फिंगर स्ट्रेच की है दैट शुड बी सेम, वो ऐसे एक दूसरे से 90 डिग्री परपेंडिकुलर होनी चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होती है, एक तरफ ही होती है. चेंज क्या होगा, दैट इज दिस थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी उल्टी होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड अ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. राइट, ये आप एज इट इज डायग्राम बना लीजिए. इसमें से जो थंब है दैट इज अ मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो फर्स्ट फिंगर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और जो सेंटर फिंगर है दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. द नेक्स्ट वन इज लेंज लॉ. लेंज लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंडिविजुअली भी आ जाता है. एक्सप्लेन द लेंज लॉ. अब लेंज लॉ इज मेंट फॉर द डायरेक्शन, मेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ. ये बेसिकली है वही रूल है, ये डायरेक्शन बताएगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सर्किट में वो किस डायरेक्शन में हो रही है. और ये क्या कहता है, दिस लॉ इज मोर सूटेबली अप्लाई टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल और सर्किट When flux linking with it changes. और ये कब बताता है, इस लॉ से हमें डायरेक्शन कब पता चलेगी, जब कोई भी फ्लक्स जो हम फ्लक्स जो है वो वेरी हो रही है विद द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर, एंड इट इज लिंकिंग विद द कंडक्टर एंड इट इज चेंजिंग रेगुलरली. उस टाइम पे हम जो डायरेक्शन फाइंड करेंगे दैट इज थ्रू द लेंज लॉ. राइट, क्या है, इन इफेक्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंड्यूस ई एम एफ, हेंस करंट फ्लोज इन अ सर्किट और कॉइल इन सच अ डायरेक्शन दैट द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाई इट ऑलवेज अपोजेस द वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. अब ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स कह सकते हैं लॉ है, जिसमें जिसको समझना थोड़ा सा एक बार समझ आ जाए तो क्लियर हो जाता है, बट स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. ये कहते हैं कि जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं किसी भी कॉज को जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी मैग्नेट है एक साइड पे, दूसरी साइड पे कॉइल है, अगर मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेट से जब मैग्नेट मूव करता रहूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना. मतलब वो रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, मैग्नेट हो गया ईएमएफ इंड्यूस होने के. अब उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो उसी से उल्टी होगी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है. अगर मैं मैग्नेट की डायरेक्शन इधर है मेरी टू द नियरर टू द कॉइल, तो उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, कि अगर इधर की तरफ फील्ड आ रही है तो इधर की तरफ ईएमएफ होगी. अगर फील्ड इधर की तरफ होगी, फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, तो उससे उल्टी जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी. मतलब उससे उल्टा ही होगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अ लेंज लॉ. राइट, इट विल ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. ये आपने याद रखना है, हमेशा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उस डायरेक्शन को, उस ईएमएफ को जो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, उससे उल्टी ही होगी जो हमारी डायरेक्शन होगी. राइट, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है. जैसे ये है हमारा, यू कैन सी हियर, तीन डायग्राम है हमारे पास. कंसिडर अ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट. ये एक कॉइल है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसकी जो फ्लक्स है ये यहाँ पे लिंक कर रही है अभी, बट इट इज नॉट मूविंग येट. At this instant, some flux is linking with the coil. अभी तक flux link कर रही है in the coil. That's it. When the magnet is moved towards the coil, an EMF is induced in the coil. अब जैसे ही ये देखिए second जो है हमारी figure, इसमें क्या किया है? हम move कर रहे हैं इस magnet को towards the coil. Right? अब क्या हो गया? Flux linking change हो गया. मतलब EMF induced होगी. The direction of this induced EMF is such that on closing the circuit, अब करंट तो तभी फ्लो करेगा जब उस सर्किट को क्लोज करेंगे. एक करंट फ्लोस थ्रू इट व्हिच सेट्स अप द मैग्नेटिक फील्ड ओपोजेस द अप्रोच ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स. अब जो उसकी डायरेक्शन होगी, जो यहां से ईएमएफ निकलेगी, उसके कारण जो भी वहां पे ईएमएफ जब पास होगी कंडक्टर से, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट होगी और उसका उल्टी होगी वो जो भी इस यहां से हम मूव इधर की तरफ कर रहे थे, जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी, इस तरफ होगी. राइट, दैट इज ओपोजिंग विद द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई, जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज ओपोजिट, वो उससे उल्टा होगा. ये देखो ये एरो की डायरेक्शन उससे उल्टी है जिस साइड से हम मूव कर रहे हैं. राइट,
इसको दूसरी तरफ उन्होंने कैसे करना है, यहां देखिए आप, when the magnet is again kept stationary, no MF is induced in the circuit. अब ये पास आके रुक गई हमारे magnet, ठीक है, near कर दिया, अब बारी है इसको पीछे लेके जाने की, पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा, when the bar magnet is taken away from the coil, again an EMF is induced in the coil, again EMF induced होगी coil में. The direction of this induced EMF is such that on closing a circuit, again circuit flows which sets up the magnetic field which opposes the away movement of north pole of the मैग्नेट. अब यहाँ पे अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो जो हमारी डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो उल्टी होगी उससे, दैट इज अ ऑन द अदर साइड ऑफ द डायरेक्शन दैट इज कॉजिंग इट, दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, राइट. सो दिस इज हाउ लेंज लॉ प्रूव द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, राइट. सो दो लॉज है, फर्स्ट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नेक्स्ट वन इज लेंज लॉ. दोनों का मकसद सेम है, it will describe the direction of induced EMF in the circuit, ठीक है. तो ये question जो है Lenz law अकेला 5 marks का आ जाता है या इकट्ठा ही आ जाता है कि explain the direction of induced EMF in the circuit, right? So इसके बारे में अगर कोई आपको question होगा you can ask in the online session. Thank you.